नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या टीवी। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा चैनल का हमने इस बार नाम चेंज कर दिया है और द अहिल्या टीवी हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य दबे कुचले समाज, शोषण, पिछड़े वंचितों की आवाज़ को उठाना है। वास्तव में जिस समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, हम उस समाज की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, आज जो मुद्दा है वो पहले के मुद्दे से थोड़ा सा अलग है। आज का मुद्दा ये है कि करहल से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल जी, कहीं ना कहीं उन्हें एक इशारा दिया गया है, इस पूरे समाज को एक इशारा दिया गया है कि एसपी सिंह बघेल को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, एक बार आप ये वीडियो जो स्क्रीन पे आ रही है इसे गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो मुझे और मेरे भाई बघेल जी को आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। आप सबके आशीर्वाद की ताकत के बल पर हम देश और प्रदेश में शासन कर रहे हैं और 10 मार्च के बाद भी आप यहाँ केवल विधायक बना करके नहीं भेजो, भारत सरकार के मंत्री है, पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो आप क्या बना के भेजने वाले उसका अंदाजा लगा लेना। यहाँ से केवल विधायक नहीं चुनोगे आप, बहुत बड़ी चीज चुनोगे जो बोलने का मुझे अधिकार नहीं है लेकिन संकेत करने का अधिकार मुझे जरूर है, वो अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। कलाकार करो ये समाजवादी। तो देखा साथियों आपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी हमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ से करहल से सिर्फ विधायक बनाकर नहीं भेजेंगे, पहले से वो केंद्रीय कानून मंत्री हैं। तो साथियों, हम सब इस इशारे को किस नज़रिए से देखें, कहीं ना कहीं इस पूरे समूचे समाज के मन में ये आ रहा होगा कि आने वाले समय में एसपी सिंह बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन साथियों, होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो खैर बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उप मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है ये इस पूरे समाज को अब कहीं ना कहीं इसी नज़रिए में दिख रहा है। अब ये पूरा समाज और कहीं ना कहीं हम भी, साथियों हम सब इस मामले को इस नज़रिए से देखते हैं कि पहले भी एक बार मुख्यमंत्री के तौर पे इनका चेहरा बाखूबी दिखाया गया था लेकिन बनाया नहीं गया। अब आगे क्या होगा ना तो आप जानते हैं ना ही हम जानते हैं, ये बस समय बताएगा साथियों। और ये समय एक ऐसा समय है जब करहल की जनता से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि एसपी सिंह बघेल जी के समर्थन में, एसपी सिंह बघेल जी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर ढंग से काम कर सके, वहाँ से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, ये सारी तमाम चीज़ें ख़त्म हों और एक नए करहल की शुरुआत हो। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय बघेल समाज, जय अहिल्याबाई होलकर।